में डॉक्टर राशि गुप्ता, आपको एमएससी प्रीवियस बॉटनी का थर्ड पेपर स्टाफ के प्रोग्राम से उसकी फर्स्ट यूनिट एलगी पढ़ा रही हूँ। इस आज का जो हमारा एलगी का टॉपिक है वो है ओसिस्टिस। इससे पहले मैं दो एलगी भी पढ़ा चुकी हूँ आपको, एक तो माइक्रोसिस्टिस और दूसरी ओनोसिला। दोनों ही साइनोबैक्टीरिया थी, बट माइक्रोसिस्टिस थी यूनिसेलुलर एल्गा but found is colonial and Olocilla is a filamentous alga, okay? दोनों में डिफरेंस था बस, पर दोनों भी साइनोबैक्टीरिया। आज जो थर्ड एलगी वो ओसिस्टिस, ये एक ग्रीन एलगी है, यूनिसेलुलर है, फ्रेश वाटर ग्रीन एलगा एंड इट इज फाउंड वाइडस्प्रेड एंड इट इज कॉलोनियल। द यूनिसेलुलर ग्रीन प्लैंकटोनिक प्लैंकटोनिक एल्गा इज एज सॉलिटरी मीन सिंगल, कभी कभी ये सिंगली भी पाया जाता है बट मोस्टली सिंगल भी रहता है बट मोस्टली इन कॉलोनीज कॉलोनी में टू टू एट सेल्स हो सकती हूँ। कितनी सेल्स हो सकती हैं कॉलोनी में? टू टू एट सेल्स हो सकती हैं, टू भी हो सकती हैं, फोर भी हो सकती हैं, सिक्स भी हो सकती हैं और एट भी हो सकती हैं। बट इट इज़ अ यूनिसेलुलर ग्रीन प्लैंकटोनिक एल्गा फाउंड इन फ्रेश वाटर, इट इज वाइडस्प्रेड एंड इट इज कॉलोनी। इट्स डिविजन इज क्लोरोफाइटा। आई एम राइटिंग द क्लासिफिकेशन of this alga Ocystis. Its division is division Chlorophyta. Its class is Chlorophyta. Its order is Chlorelles. Chlorelles family Ocystis, genus Ocystis, its type species, many species, type species is Ocystis nigeri, N-A-E-N-I-G-E-R-I. Its other species are other main species are Ocystis cervata, C-R-V-A, cervata, and Ocystis cervata and Ocystis lecustris. Okay? Division Chlorophyta, class Chlorophyceae, order Chlorelles, family Ocystis, genus Ocystis, species many species Ocystis nigeri, and other many species are Ocystis cervata and Ocystis lecustris. Okay, now its plant body structure. So we know that it is a unicellular alga and the the cell is mostly ovoid or ellipsoidal. Cell is eukaryotic, containing one to many chloroplast is parietal discoid form or plate form, chloroplast one to many शेप क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी है, डिस्कॉइड और प्लेट लाइक, डिस्कॉइड और प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट में है वन पायरिनोइड और विदाउट पायरिनोइड, वन पायरिनोइड और समटाइम्स विदाउट पायरिनोइड, पायरिनोइड the nucleus
साइटोप्लाज्म, दिस इज पेराइटल, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट. ओके, द यूनिसेलुलर 260 ग्रीन एग्ग, इट्स प्लांट बॉडी और इट्स सेल बॉडी इज ओवॉइड, अंडाकार और एलिप्सॉइडल. When it makes colony, their cells are 2 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this colony is enclosed by a mucilaginous annular. Colony enclosed by a mucilaginous envelope or by mother cell wall. This is single cell, this is colony. Colony contains 2 to 8 cells and is covered or enclosed by a mucilaginous cell, mucilaginous envelope or by a mother cell wall. Okay. अगर कॉलोनी की शेप की बात करें तो कॉलोनी की शेप ऑफ कॉलोनी मीन्स ड्यूरेशन, कॉलोनी की शेप ऑफ कॉलोनी, शेप ऑफ कॉलोनी इज ओवॉइड और एलिप्सॉइडल. Ovoid or ellipsoid. Now reproduction. Yes, time. Reproduction. 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 It is found that there is no sexual reproduction in oocysts. सेक्सुअल ओसिस्टिस में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है. इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो होता है बाय ऑटोस्पोर्स, बाय ऑटोस्पोर्स. ऑटोस्पोर्स ज्यादातर 2 to 4 की संख्या में बनते हैं, 2 to 4 इन नंबर्स एंड आर रिलीज्ड बाय द रप्चर ऑफ mother cell wall. Mother cell wall. So shape of colony, ovoid or ellipsoidal, production by autospores which are 2 to 4 in number and they are released जब जो मदर सेल होती है, जो विशेष एनवलप होता है वो टूट जाता है, रक्षण हो जाता है, उसके रक्षण वाले तो ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और वापस से जर्मिनेट होकर पूरा नया कॉलोनी बना. ये था आपका